जनपद प्रयागराज के विकास खंड मांडा की ग्राम पंचायत राजापुर का ऐतिहासिक दंगल बेलासन धाम एक मंदिर है। बेलासन का दंगल बहुत ही अरसे से सन 1960 के दशक में यह दंगल चला रहा है। गांव के जो वर्तमान में प्रधान थे उस समय के तत्कालीन प्रधान ठाकुर देव नारायण सिंह, जो वर्तमान प्रधान पति राजीव कुमार सिंह के परिवार के ही सदस्य थे, उनके द्वारा यह दंगल लगवाया जा रहा था और तब से लगातार आज 50 वर्ष से अधिक हो गया दंगल लग रहा है। जो भी गांव के प्रधान होते थे उन्हीं के सहयोग से गांव वाले सब मिल करके अपना चंदा उंदा लगा करके प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के दिन यह दंगल आयोजित होता है। जिस तरह से अब मंदिर देखी जा रही है ये भी बहुत पुरानी है और इसमें जिस तरह से जो बता रहे हैं कि कुछ चंदे एकत्रित करके इसमें भी लगाया जाता है, इसका खर्चा ऐसा कुछ है क्या? अब जो गांव दंगल के लिए जो चंदा एकत्र होता है वो तो दंगल में ही खर्च हो जाता है। बाकी मंदिर के विकास के लिए गाँव वाले निरंतर प्रयत्नशील है। जो भी प्रधान होते हैं गांव के और गांव वालों के सहयोग से मंदिर का भी विकास कराया जाता है। अच्छा, आपने एक बात बताया कि ये 500 साल से लग रहा है, तो यहाँ हालांकि देखने में तो ये लगता है जिस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर आसपास के ही लोग आते होंगे, जो भी छोटे मोटे पहलवान जिस तरह से भी लोग लगे हुए हैं इस पेशे में, क्या कभी यहाँ पर क्या और जगहों से बुलाया गया कभी इस तरह से? अब पहलवानों की कमी हो रही है। वर्तमान जो समय है कुश्ती और ये जो गांव स्तर पर खेल कूद होते थे कबड्डी ये सब खेल जो है क्रिकेट के चक्का जोंत के आगे दबते जा रहे हैं। जब आज के 10-20 साल पहले यह दंगल बहुत प्रसिद्ध था तो मिर्जा उर्जापुर तक से पहलवान आया करते थे। मिर्जापुर अगल बगल आप समझ लीजिए हाटा दोथा तक से पहलवान आते थे और दंगल एक उस समय नाग पंचमी के दिन पूरे मांडा ब्लॉक में, अब तो और एक दो जगह दंगल लगने लगे हैं जैसे मांडा खास में भी आज 10-15 साल से दंगल लग रहा है जी। लेकिन राजापुर का यह दंगल पूरे विकास खंड मांडा का नाग पंचमी का अकेला दंगल था। किसी जमाने में तो पूरे क्षेत्र के दूर दूर से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर से दूर भी सभी पहलवान आया करते थे। एक बात और सुनने में आया था, मैं आपसे जानना चाहता था, आपको भी लोग पहलवान बोलते थे, बोल रहे थे कि आप पहलवान करते थे पहले? नहीं भाई, मैं थोड़ा सा बचपन में संघ की शाखाओं में खेल कूद किया करता था, आरएसएस की शाखाओं में। अच्छा, तो योगा कसरत और पहलवान ही मानिए, यानी लोगों का कहना सही था, लोगों का कहना सही है, यानी आप भी पहलवानी करते थे? जी, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज के जो युवा हैं जो इस चीज से काफी दूर है, काफी परे हैं, तो उनके लिए क्या आपका होगा संदेश? युवा पीढ़ी को मेरा कहना है कि पुनः ये जो आधुनिक जीवन शैली है लोगों को पुनः पिछले योगा और जो है कुश्ती कबड्डी की ओर लौटना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आज जो योगा पर जोर दिया जा रहा है और तमाम सूर्य नमस्कार हो चाहे कसरत हो दंड बैठक हो ये सब कुश्ती का ही एक अंग है और सबको लौटना चाहिए। सबको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा कुश्ती कबड्डी कूद करनी चाहिए, दौड़ करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है और शरीर स्वस्थ रहेगी माने जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 3 सुख बताए गए हैं उसमें दूसरा सुख जो है पहला सुख है निरोगी काया जी। निरोगी काया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पहला सुख है जी जी। बहुत जो है बहुत अच्छी बात, अब नए युवाओं के लिए जिस तरह से आपने बात रखा है लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है। धन्यवाद आप, जैसा कि आप जिस तरह से आप सुन रहे थे यहाँ के वरिष्ठ
भाजपा नेता भगवान दास कुशवाहा साहब हैं, जैसा कि आप देखते हैं हर एक समाज की जो भी गतिविधियां है उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अपनी उचित राय पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।